सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल माइंड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पेपर बुमरंग प्लेन। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक A4 साइज़ का पेपर लेंगे और उस पेपर को बीचों बीच अच्छी तरीके से फोल्ड आउट कर लेंगे। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने फोल्ड आउट किया वैसे ही फोल्ड आउट करना है बिल्कुल। ये बीचों बीच फोल्ड आउट करने के बाद उसके अपोजिट साइड से फिर से बीचों बीच फोल्ड आउट करना है। अब ऊपर से 1/2 लेंगे, उसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसे कि हम लोग प्लेन बनाते हैं उस हिसाब से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसे मैंने फोल्ड आउट किया है बिल्कुल वैसे ही फोल्ड आउट करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, फोल्ड बिल्कुल इक्वली जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इक्वली फोल्ड करना है, नहीं तो बूमरंग लौटकर जैसे कि हाथ में वापस आता है वैसे लौटकर वापस हाथ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जैसा ही वीडियो में दिखाया जा रहा है एक एक करके फोल्ड करके बिल्कुल वैसे ही आपको फोल्ड करना है, ठीक है दोस्तों। एक भी मिस्टेक होने पे फिर आपका पेपर बूमरैंग ठीक से उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए जैसे ऐसे वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है फोल्ड करके बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस बूमरंग को बनाने में
मैंने जितना भी फोल्ड किया है सारा ही फोल्ड मैंने इक्वली किया है। अगर आपका एक भी फोल्ड इक्वल नहीं होगा तो ये बूमरैंग ठीक से उड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये बूमरैंग अब बस कंप्लीट ही होने वाला है, बस इसका एक दो स्टेप बस बाकी है इसको बनने में। आप तो दोस्तों इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें, एक भी स्टेप को मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब बिल्कुल इक्वली फोल्ड हो चुका है। अब इसे फोल्ड आउट करने के बाद ये हमारा लास्ट स्टेप, इसके पीछे वाले पार्ट को हम लोग इक्वली ट्रायंगल शेप में फोल्ड आउट करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों इसके पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से मोड़ें, क्योंकि यही एयर को अपने तरफ वापस काटने में मदद करता है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर बूमरैंग कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इस पेपर बूमरैंग को कहीं खुले जगह पे उड़ा के ट्राई करेंगे कि ये वापस उड़ के हमारे हाथ में आता भी है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसे उड़ाया और ये बिल्कुल उड़ के मेरे हाथ में वापस आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।